दोस्तों आज हम बात करेंगे कल ही लॉन्च हुए हाइसेंस U6G QLED स्मार्ट टीवी के बारे में। और दोस्तों हाइसेंस ने इस टीवी का प्राइस काफी अट्रैक्टिव और अग्रेसिव रखा है, जो कि इस टीवी को परचेस करने के लिए काफी कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। और ये अपने इस बजट सेगमेंट के बाकी कॉम्पिटिटर्स Xiaomi, TCL, iFalcon जैसे ब्रांड्स को एक कड़ी टक्कर भी दे रहा है। लेकिन दोस्तों मैं TCL और iFalcon के QLED स्मार्ट टीवी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस लाइक पिक्चर क्वालिटी, कस्टमर सपोर्ट एक्सेट्रा। तो ले देकर हमारे पास बजट सेगमेंट के QLED टीवीज में सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, विच इज Xiaomi Mi Q1 QLED टीवीज और Hisense U6G QLED टीवीज। और जल्द ही इस सेगमेंट में Motorola भी अपने QLED टीवीज लेकर आने वाला है, तो उसे भी आगे हम इस कंपैरिजन में ऐड कर लेंगे। तो पहले अगर हम बात करें इन दोनों टीवीज के लुक्स की, तो दोनों ही टीवीज काफी अच्छे स्लिम और बेजललेस डिजाइन के साथ आते हैं और दोनों ही टीवीज देखने में काफी अच्छे लगते हैं। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट, विच इज पैनल एंड पिक्चर क्वालिटी। और इस एस्पेक्ट में हाइसेंस काफी आगे निकल जाता है विद एन A+ ग्रेड VA QLED पैनल विद 60 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट एंड पीक ब्राइटनेस ऑफ अराउंड 700 nits, जो कि काफी ब्राइट है। और साथ ही यहां पर आपको फुल एरे लोकल डिमिंग का सपोर्ट भी मिलता है, विच डिलीवर्स परफेक्ट ब्लैक्स विच इज क्वाइट रेयर इन दिस सेगमेंट। वहीं दोस्तों Xiaomi में आपको ये सारे स्पेक्स देखने को नहीं मिलते। और इतना ही नहीं दोस्तों, हाइसेंस U6G टीवीज में आपको पिक्चर एनहांसमेंट के लिए डॉल्बी विजन HDR, MEMC, अल्ट्रा विविड हाई कॉन्ट्रास्ट पैनल, HDR10+, HDR10, HLG अल्ट्रा डिमिंग, अल्ट्रा HD AI अपस्केलर, डायनामिक बैकलाइट कंट्रोल, नेचुरल कलर एनहांसर, स्मूथ मोशन, गेम मोड, प्रिसीजन कंट्रोल और नॉइस रिडक्शन जैसे टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट मिलेगा, जो कि एक्चुअल में इस सेगमेंट की बेस्ट पिक्चर क्वालिटी डिलीवर करते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा बाकी फीचर्स मेरे हिसाब से उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते फॉर सिलेक्टिंग ए स्मार्ट टीवी जितनी की पिक्चर क्वालिटी रखती है। लेकिन हम बाकी एस्पेक्ट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो अब अगला एस्पेक्ट है प्रोसेसर और GPU का, जिसमें हाइसेंस ने डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वाड कोर कॉर्टेक्स A53 CPU और माली 470MP GPU का सपोर्ट मिलता है, विच इज अ वेरी आउटडेटेड कॉम्बिनेशन। जबकि Xiaomi में आपको लेटेस्ट क्वाड कोर A55 CPU और माली G52MP GPU का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही हाइसेंस U6G टीवीज में आपको 16GB स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है, जबकि Xiaomi Mi Q1 QLED टीवीज में आपको 32GB तक का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ऑडियो सिस्टम का, जिसमें दोनों ही स्मार्ट टीवीज मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से एक एवरेज से ऑडियो सिस्टम के साथ आते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली Xiaomi के 30 वॉट्स वाले 6 स्पीकर सिस्टम यहाँ पर एक बेटर ऑडियो डिलीवर करते हैं एज कम्पेयर टू हाइसेंस U6G टीवीज। और दोस्तों दोनों ही स्मार्ट टीवीज में कनेक्टिविटी के लिए सिमिलर पोर्ट्स का सपोर्ट देखने को मिलेगा, विच इज HDMI 2.0, ब्लूटूथ 5.0 एंड ड्यूल बैंड वाईफाई। और आप सब जानते ही होंगे कि इन दोनों ही टीवीज का प्राइस बिल्कुल सेम है, विच इज 59,990 रुपीज। और अलग अलग सेल्स में डिफरेंट ऑफर्स के अंडर इन टीवीज के प्राइस 55,000 से लेकर 59,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब तक इस प्राइस रेंज में Xiaomi Mi Q1 QLED टीवी से बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं था, लेकिन हाइसेंस U6G QLED टीवीज के लॉन्च के बाद अब हमें एक और भी बेटर ऑप्शन मिल गया है। और मैं ये हाइसेंस U6G टीवीज आपको परचेस करने के लिए जरूर रिकमेंड करता हूँ। लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि Motorola अब अपने QLED टीवीज किस प्राइस पर लॉन्च करता है, और मुझे लग रहा है कि Motorola QLED टीवीज भी इसी प्राइस ब्रैकेट में फॉल कर सकते हैं, पर देखना होगा कि इन टीवीज की स्पेक्स क्या होती है। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट कंपैरिजन वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।